नमस्कार दोस्तों, माजा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। जी हाँ, कंप्यूटर को स्कैन कैसे करते हैं, वो भी बिना एंटीवायरस के। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिस ट्रिक को अपनाकर आप अपने कंप्यूटर को बिल्कुल 1 मिनट में दोस्तों जो है आप वायरस को रिमूव कर सकते हैं, वो भी विदाउट एंटीवायरस के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपको करना क्या है, आप अपने कंप्यूटर में जहाँ से दोस्तों सर्च करके कोई भी एप्लीकेशन जो है आप निकालते हैं वहाँ पे जाना है। तो देखिए, यहाँ कॉर्नर में हम जब कर्सर ले जाते हैं तो सर्च का एक ऑप्शन हमको मिल रहा है, उस पर जाके क्लिक कर देना है। और क्लिक जब करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है रन, RUN। रन टाइप जैसे ही किया, आप देख सकते हैं इस साइड में रन का एक एप्लीकेशन जो है दोस्तों मेरे सामने ओपन होकर आ गया है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं और जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का मेरे सामने दोस्तों ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ देखिए, ओपन का एक ऑप्शन है और यहाँ पे फोल्डर पे दोस्तों देखिए परसेंट टेम्प TEMP और परसेंट टेक्स्ट किया हुआ है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में आप पहली बार करेंगे तो कुछ और दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट किया हुआ होगा, तो आपको उसको हटा देना है और टाइप कर देना है परसेंट और स्मॉल लेटर में TEMP और फिर परसेंट, यही टाइप करना है। याद रखिए, इसके अलावा दूसरा कोई टाइप आपको नहीं करना है। तो फोल्डर में परसेंट TEMP परसेंट टाइप करके और नीचे देखिए ओके का ऑप्शन है, उस पर जाके आपको क्लिक कर देना है। और जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों इतना सारा जो फोल्डर आपके सामने दिख रहा है ये टोटल जो है वायरस है। हम तुरंत ही जो है अपने कंप्यूटर से डिलीट किए थे, इसलिए दोस्तों कम यहाँ पर दिख रहा है। तो और इसमें घबराने की बात नहीं है कि आपका कोई फाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये जितना आपको फोल्डर दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है ये टोटल का टोटल जो है वायरस है, इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने के लिए आपको करना क्या है, कीबोर्ड पे Ctrl+A का दोस्तों बटन होगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए Ctrl+A। उससे होगा क्या, पूरा जो है फाइल सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा वायरस सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट का बटन होगा, उस पर जाके आप क्लिक कर दीजिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है जितना फोल्डर था वो डिलीट हो चुका है, ये 3-4 बचा हुआ है। तो जैसे Ctrl+A करके डिलीट किए हैं उसी तरह फिर इसको भी Ctrl+A करके हम दोस्तों डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप अपने कंप्यूटर का दोस्तों वायरस जो है विदाउट एंटीवायरस का जो है रिमूव कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह ढेर सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।